जब हम अपने से बेहतर बनने का प्रयास करते हैं ना, हमारे आसपास की हर एक चीज़ भी बेहतर हो जाती है। जी हाँ फ्रेंड्स, हम जो हाउसवाइफ हैं ना, जो हाउस मेकर हैं ना, हमारी लाइफ काफ़ी स्ट्रगल वाली होती है। जी हाँ, हम घर और घर के काम इसी में बिजी जाते हैं, हमारे खुद के लिए टाइम ही नहीं रहता। तो हमारे लाइफ में सबसे बड़ी चीज़ मैटर करती है कि हमें अपने आप को खुद से बेहतर बनाने का प्रयास करते रहना होगा, ये ना कि दूसरे पर डिपेंडेंट। तब हम अपने आसपास की चीज़ों को बेहतर बनता देख सकते हैं और उम्मीद कर सकते हैं कि जो आसपास की चीज़ें हैं वो बेहतर हो पाएंगी। तो इसी छोटे से प्रयास के साथ आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। तो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड, आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो ये देखिए, ये सुबह का टाइम है, भीर का भी यूनिट टेस्ट चल रहा है ना। तो भीर को हम सुबह 4 बजे उठाते हैं और 6 बजे तक उसको सारा कुछ याद कराते हैं, उसके बाद सुला देते हैं। 7 बजे से उसका स्कूल है, तो 7 बजे उठाते हैं ना, तो 10-15 मिनट में उसको हम तैयार करके स्कूल भेज देते हैं। तो उसको भी रेस्ट हो जाता है और उसको याद भी अच्छे से हो जाता है। बीर को शायद हम शुरू से ऐसे ही पढ़ाए हैं ना, तो बीर को ऐसे ही अच्छे से याद होता है। और बच्चे को जो चीज़ की आदत हो जाती है ना, तो उसी में ही कंफर्टेबल होता है और उसी प्रकार से पढ़ता है। तो हर एक एग्ज़ाम के समय ना, वो 4 बजे उठ के अपना पढ़ाई कर लेता है, उसके बाद ही एग्ज़ाम देने जाता है। तो देखिए, बीर उठ गया था, बीर गया बाथरूम में, तो बेड पूरा खाली हो गया। तो सोचे कि पहले बेड को सरिया लेते हैं, साथ साथ में मेरा नाश्ता भी बन गया था, और सोचे कि साथ साथ में घर का भी काम स्टार्ट कर लेते हैं करना, तब ये टाइम पर मेरा हो पाएगा। तो बेड को अभी सरिया लेते हैं, और बेड को सरियाने के बाद ना लगता है कि घर का 50% काम हो गया है। और घर को कभी भी मतलब सरियाने जाइए ना, तो जो भी सामान इधर उधर बिखरा पड़ा है ना, उसको सरियाते जाइए, तो देखिए आपका घर अपने ही समेटता जाता है। तो और हर एक का घर का सुबह का यही कहानी होगा कि हर एक सामान इधर उधर बिखरा पड़ा हुआ है। तो ये सब करते करते ना, बीर भी नहा धोवा लिया है। तो बीर आज सोमवार का मतलब सावन का पहला दिन है। तो बीर कह रहा, मम्मी आज भोले बाबा का फर्स्ट दिन है, तो हमको आज पूजा करना है। तो देखिए, बेचारा सुबह सुबह नहा धोवा के भोले बाबा की तपस्या में लग गया है। आज शिव भगवान को खुश होना ही पड़ेगा, छोटे से बच्चे की तपस्या देखकर सुबह सुबह नहा धोवा के स्कूल जाने से पहले पूजा करना, ये सब देख के ना हमको बहुत अच्छा लग रहा था। और बीर का पूजा पाठ हो गया, बीर को भी देखिए कितना सुंदर सा वो दिया जलाया है, अगरबत्ती जलाया है। जैसे बड़ों को देखते हैं ना, बच्चे वैसे ही करते हैं। बीर को रेडी कर दिए, उसका लंच बॉक्स दे दिए, उसको खाना खिला दिए, उसके बाद स्कूल भेज देते हैं। बीर स्कूल जाने के लिए तैयार हो गया है और बहुत खुश था, मम्मी आज हम पूजा करके जा रहे हैं, आज शिव भगवान का दिन है। और बीर कहा ना कि मम्मी कुछ मीठा बनाइएगा घर पर। तो जब भी कुछ मीठा खाने का मन करे ना, तब घर पर ये मिठाई बनाकर जरूर देखना, देखिएगा। सच कहूँ दोस्तों, घर पर ऐसी मिठाई, ताज़ा मिठाई एक बार बनाकर अगर आप खाइएगा ना, तो दोबारा हमेशा ऐसे ही बनाना पसंद करिएगा, मार्केट से लाने का मन नहीं करेगा। तो एक तरफ हम बेसन को भूंज रहे हैं तो, और दूसरी तरफ हम चाशनी बनाने की तैयारी में लगे हैं। तो चाशनी भी जितना चीनी लिए ना, उसका आधा पानी लिए हैं और उसको अच्छे से चम्मच से मिला लिए हैं ताकि चीनी एकदम अच्छे से मिल जाए। और इसको एक तार की चाशनी बनाएंगे। देखिए, एक तार की चाशनी मेरा हो गया, और इसके बाद चूल्हे को बंद कर देंगे। ये बेसन भी बहुत अच्छे से मेरा भूंज गया था, मीडियम आंच पे इसको भूंजे थे। और जब ये दोनों रूम टेम्परेचर पे आ गया ना, तो दोनों को अच्छे से मिला लेंगे। और इसको ना एक प्लेट में खाली कर लेंगे, जो प्लेट में मतलब जो प्लेट में इसको खाली करेंगे ना, उसको अच्छे से तेल लगा लेंगे, उसके बाद इसमें खाली करेंगे और इसको अच्छे से चिकना करके छोड़ देंगे। और फ्रिज में भी रखना चाहिएगा तो रख सकते हैं, या रूम टेम्परेचर पर छोड़ दीजिए। और इसके ऊपर कुछ गार्निश कुछ डाल दीजिएगा, ड्राई फ्रूट्स, बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं एंड करते हैं, और उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो अच्छा लगा हो। तो फटाफट से एक लाइक और शेयर करिएगा, और मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आप सबसे एक नए वीडियो में।